तो आज स्टूडियो बात करने वाले स्पाई एक्स फैमिली एनिमे सीरीज के वॉचर्ड के ऊपर। अगर हम इस सीरीज का एक शॉर्ट रिव्यू करें तो एक एक्शन शोनन और एक कॉमेडी एनिमे है जिसको वाइस स्टूडियो ने क्रिएट किया था। अगर हम इस सीरीज की स्टोरी के ऊपर बात करें तो इस एनिमे के अंदर आपको हमारे तीन मेन कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर लॉयड फोजर आता है जो कि एक सीक्रेटली अंडरकवर स्पाई है और एक बहुत ही स्किलफुल एजेंट है जो कि अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो उसे फाइनली एक न्यू मिशन मिलता है जिसमें से एक फैमिली की जरूरत होती है, जिसके लिए वो एक अनाथ आश्रम से एक बच्ची को अडॉप्ट करता है जिसका नाम है आनिया, जो कि हमारी सीरीज की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है। लेकिन आनिया नॉर्मल किड से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है क्योंकि उसके पास होती है स्पेशल पावर्स जिसकी वजह से वो किसी का भी माइंड पढ़ सकती है और किसी के भी सीक्रेट राज पहले से जान जाती है। और इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है हमारी थर्ड मेन कैरेक्टर जिसका नाम है योर फोजर, जो कि सीक्रेटली अंडरकवर असैसिन है। तो अब इसकी स्टोरी में देखेंगे कि किसी तरह ये तीनों एक ही फैमिली का पार्ट बन जाते हैं पर एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने की कोशिश करते हैं बिना अपनी रियलिटी को शो किए। लेकिन स्टिल इतनी डार्क बैकग्राउंड स्टोरी होने के बावजूद भी इस सीरीज की पूरी ट्यून बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग और एंजॉयबल है जो कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। और ये एनिमे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है जो कि इसे बहुत ही यूनिक बनाता है किसी भी दूसरे नॉर्मल एनिमे के मुकाबले में। और इस एनिमे के म्यूजिक की तहाई कमाल के हैं, खासतौर पे इसके ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग्स जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर आप कोई एंटरटेनमेंट एनिमे देखना चाहते हैं या कुछ भी यूनिक देखना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट एनिमे होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम इसके प्रॉपर वॉचर्डों के ऊपर हम बात करने वाले हैं और साथ साथ इसके मांगा के रेफरेंस के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये सीरीज स्टार्ट होती है अपने फर्स्ट सीजन से जिसका नाम था स्पाई एक्स फैमिली, जो कि रिलीज हुई थी अप्रैल 9, 2022 को। इस सीजन का आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट और इस सीजन को रेटिंग मिली थी 8.57 की, जो कि इस सीरीज का फर्स्ट सीजन है। तो इसको फर्स्ट सीजन देखने के बाद अब इसके फर्स्ट सीजन का सेकेंड पार्ट देखेंगे जिसका नाम था स्पाई एक्स फैमिली पार्ट 2, जो कि रिलीज हुआ था अक्टूबर 1, 2022 को। इस सीजन के अंदर आपको टोटल 13 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट और इस सीजन को रेटिंग मिली है 8.28 की। तो इसका सेकंड पार्ट देखने के बाद अब इसका सेकंड सीजन देखेंगे जिसका नाम था स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2, जो रिलीज हुआ था अक्टूबर 7, 2023 को। इसके सेकंड सीजन के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 23 मिनट और इस सीजन को रेटिंग मिली है 8.11 की। और ये भी बहुत ही पॉपुलर सीजन था। तो इसका सेकंड सीजन देखने के बाद अब इस सीरीज की फर्स्ट मूवी देखेंगे जिसका नाम था स्पाई एक्स फैमिली कोड व्हाइट, जो कि रिलीज हुआ है दिसंबर 22, 2023 को। इस मूवी के अंदर टोटल 1 आवर 50 मिनट और इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.39 की। और ये स्टिल मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है तो इसकी रेटिंग में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट बात में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट सीजन स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 3 आपको अक्टूबर 2024 में देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको इसके कुछ न्यू एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम इसके मांगा के ऊपर बात करें तो स्पाई एक्स सीरीज के अभी तक टोटल 12 वॉल्यूम्स रिलीज हो चुके हैं जिसमें आपको 80 प्लस इसके चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और स्टिल इसके न्यू चैप्टर रिलीज हो रहे हैं। इस सीरीज के फर्स्ट सीजन ने टोटल 38 चैप्टर कवर किए थे और इसके सीजन 2 की स्टोरी आपको चैप्टर 39 से देखने को मिलेगी और इसके बाद इसके चैप्टर्स ऑनवर्ड चलते जाएंगे क्योंकि मांगे का मैक्सिमम हिस्सा एनिमे अडॉप्ट हो चुका है। तो एनिमे क्रिएटर्स को कुछ टाइम चाहिए कि वो कुछ न्यू चैप्टर्स और वॉल्यूम रिलीज कर सकें ताकि सीजन 3 की स्टोरी बना सकें और नेक्स्ट 5 से 6 मंथ के अंदर हमें सीजन 3 की स्टोरी भी सामने आ जाएगी। इसके अलावा एनिमे कम्युनिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या इसके एपिसोड हिंदी डब में अवेलेबल है या नहीं। इस सीरीज के सीजन 1 के और सीजन 2 के दोनों के एपिसोड हिंदी डब में अवेलेबल हैं, लेकिन दोनों बहुत ही डिफरेंट जगह पर रिलीज हुए हैं। अगर हम सीजन 1 के ऊपर बात करें तो सीजन 1 के हिंदी एपिसोड आपको सिर्फ क्रंच रोल पर देखने को मिलते हैं, आपको नेटफ्लिक्स पे इसके हिंदी डब अवेलेबल नहीं है और दूसरी वेबसाइट्स पर भी, लेकिन यूट्यूब पर हमें स्पाई एक्स फैमिली के सेकंड सीजन हिंदी डब में अवेलेबल है जो कि क्रंच रोल पर अवेलेबल नहीं है, जिसका बिग रीजन है कि क्रंच रोल ने इसके सेकंड सीजन के हिंदी डब के एपिसोड का अभी तक लाइसेंस नहीं लिया या उनके पास अभी तक राइट्स नहीं आए, जिसकी वजह से क्रंच रोल पर आपको सिर्फ इसके सीजन 1 के एपिसोड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सीरीज के एपिसोड आपको इंग्लिश सब और डब दोनों में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में इसके इंग्लिश डब काफी हद तक बेकार हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो या तो आप इसके जापानी डब में देखें या तो हिंदी डब में, वो दोनों काफी बेस्ट हैं एज कम्पेयर इसके इंग्लिश डब के मुकाबले में। तो ये थे एनिमे सीरीज का कंप्लीट वॉच ऑर्डर, तो मैं कहता हूं वीडियो के लिए हेल्पफुल रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपके फेवरेट एनिमे के वॉच ऑर्डर देता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।